गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज अ लेसन नंबर 3 टेक्सचुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज सेक्शन ए. नाउ ओरल क्वेश्चंस, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो कैसे बनते हैं. सो व्हेन इग्नीशियस आर सेडिमेंटरी रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इमेंस हीट और प्रेशर इनसाइड द अर्थ, देयर मिनरल कंटेंट चेंजेस एंड दिस चेंज्ड रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जैसे इग्नीशियस और सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वो उसमें इमेंस चेंज आता है हीट और प्रेशर की वजह से जो अर्थ के इनसाइड से उसे मिलता है, और उसका जो मिनरल होता है वो सारे चेंज होते जाते हैं, और जैसे मिनरल्स और ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है तो रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज मैग्मा. द हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज मैग्मा. जो हॉट मोल्टन रॉक है अर्थ के अंदर उसे हम मैग्मा कहते हैं. नाउ व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज प्यूमिस. प्यूमिस इज अ टाइप ऑफ इग्नीशियस रॉक. इट इज़ यूज एज स्क्रबिंग स्टोन. हम प्यूमिस को एक इग्नीशियस रॉक कहते हैं, वो स्क्रबिंग स्टोन में हम यूज़ करते हैं टू रिमूव रफ डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी. डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग आर्टीज. और डेंटिस्ट जो है वो पाउडर्ड, मतलब जो उसका पाउडर जो है, डेंटिस्ट जो है पाउडर प्यूमिस यूज करते हैं जिससे कि टीथ को पॉलिश कर सके. नाउ नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. विच लिक्विड इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. सो सोलर एनर्जी इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. सॉरी, विच लिक्विड इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. सो पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. अ नेम एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो सोलर एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव सोर्स वी हैव. नाउ हियर इज अ वर्कशीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ. वैन सैंड स्टोन्स अंडर गोज सेवरल चेंजेस इट फॉर्म्स क्वार्ट्जाइट. द ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल. द फ्यूल यूज इन एटॉमिक पावर प्लांट्स इज यूरेनियम. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. व्हेन लाइमस्टोन्स अंडरग्रो सेवरल चेंजेस इट्स फॉर्म्स. जब लाइमस्टोन जो है वो उसमें सेवरल चेंजेस आते हैं सो उसमें वो बनता है मार्बल. डैश आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज. अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास मिनरल्स. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. डैश इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स. ब्रिक्स हम किससे बनाते हैं, शेल से. सो ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ द सेम मिनरल्स. फॉल्स. सारे रॉक्स जो है सेम मिनरल्स से नहीं बनते, सबके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं. सेडिमेंटरी रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स. ट्रू. मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव फॉसिल फ्यूल्स इन दैम. फॉल्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल्स नहीं होते. कॉल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. फॉल्स. पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. Now identify the pictures and write the names of rocks from which they are made. Taj Mahal made by marble. Red Fort made by sandstone. And Mount Rushmore made by igneous rock. Now multiple choice questions, scientific practical skills. Due to intense heat, limestone changes into marble. Precious metal used for making jewelry is platinum. Write two example of sedimentary rocks, shell and limestone. Write two examples of metamorphic rocks, marble and slate. Now name any two minerals and write one use of each. Hematite, iron can be extracted from it. And bauxite, aluminum can be extracted from it. Now second, how is coal formed? Due to high temperature and pressure inside the earth, the remains of plants buried millions year ago turn it coal. High pressure जो है, high temperature की वजह से earth के अंदर जो जितने भी सारे buried plants हैं वो सारे millions of years ago पहले वो जो buried plants जो buried हुए थे वो coal में convert हो जाते हैं, क्योंकि earth में से उसे pressure मिलता है और high temperature की वजह से वो black color के हो जाते हैं. Now रमेश आस्क टू हिज मदर टू कुक फूड इन अ सोलर कुकर. वाई रमेश एनकरेजेज हिज मदर टू यूज सोलर कुकर. वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस. रमेश एनकरेज हिज मदर टू यूज सोलर कुकर बिकॉज इट यूज सोलर एनर्जी. क्योंकि रमेश जो है अपनी मम्मी को सोलर कुकर यूज करने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं. हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल. और वो फ्यूल को बचाने में हमें हेल्प करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता है. Now, why do we learn from this? We learn to be environment friendly. हम environment friendly, eco-friendly जिसे कहते हैं. Now,
Long answer questions. What are igneous rocks? Name three types of igneous rock. When a volcano erupts, the hot magma flows out of onto the surface of the earth and is termed as lava. The rocks formed due to cooling and solidification of lava are called igneous rock. Volcano जो है वो erupt होता है, वो hot magma बन जाता है, flow करता है earth की surface पे से, जैसे कि हम लावा कहते हैं. द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. रॉक जो है वो ठंडे जब हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक. एंड टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक वी हैव बेसल्ट, ग्रेनाइट एंड प्यूमिस. हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड. पेट्रोलियम कैसे बनता है? जब स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अंडरग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ में बरीड हो जाते हैं, तो डेड बॉडीज वर कन्वर्टेड स्लोली इंटू पेट्रोलियम. और धीरे धीरे जो है वो डेड बॉडीज जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से. तो पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर. पेट्रोलियम जो है वो डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल है. वी गेट LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम. नाउ थिंक एंड आंसर. Why are marbles used in making buildings but not chalks? Through both of them are formed from same mineral, calcite. Marble and chalk both are obtained from mineral. Mineral से मिलता है हमें calcite से. But marble is found in various colors. Marble जो है काफ़ी सारे colors में found मिलता है हमें. It can be carved and polished easily. हम उसे easily carve कर सकते हैं, उसे polish कर सकते हैं. So it is used to make statues and buildings. So इसी वजह से हम उसे statues और building बनाने में use करते हैं. Now why does pumice stone float on water? Pumice stone जो है वो water में float क्यों करता है? Pumice stone has many holes. Pumice stone में काफ़ी सारे holes हैं जो कि air की वजह से, जो air जो trapped हो जाती है इसके inside, वो trapped हो जाती है at the time of formation. जब वो बनता है तो उसमें air जो है वो उसमें trapped हो जाती है. So it floats on water क्योंकि वो light weighted भी होता है और इसी वजह से वो water पर float करता है. Now there is an activity, crossword and igneous rock form by rapid cooling of lava on the earth. So basalt, mineral that limestone is made from. Limestone किससे बनता है? Shell से. Now a sedimentary rock used for making tiles and bricks, that is called shell. And mineral that limestone is made from, calcite. Calcite से बनता है. Granite undergoes changes and forms the metamorphic rock gneiss. Gneiss जिसे हम कहते हैं. कैल्साइट और ग्नीसिस. नाउ हियर इज अ लेसन नंबर 3. क्वेश्चन आंसर्स इज फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून टू लर्न नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ जॉयफुल डे, हैव अ वंडरफुल डे.